গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত জিতেন্দ্ৰ সিং কংগ্ৰেছ কৰ্মী উষ্ম আদৰণী জিতেন্দ্ৰ সিঙক আৰু বিজেপিৰ তীব্ৰ কটাক্ষ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নগাঁৱত কোনো সংঘাত হোৱা নাই মই নিজে তাত আছিলোঁ অজ্ঞাত ব্যক্তিৰ লগতে বিজেপিৰ মানুহ সোমাই আমাৰ অনুষ্ঠান বিঘ্নিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আমাক বদনাম কৰি বাতৰি শিৰোনাম সলনি কৰাৰ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে বিজেপিয়ে আৰু পৰিয়ালৰ মাজত কিছু খাম খেলি থাকিবই বিজেপিৰ কোনো লোকৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাত আগ্ৰহী নহয় বুলি মন্তব্য কৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে बहुत खुश है और यहाँ बहुत वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा कार्यक्रम है और अभी हम हमारे आज का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है महिला कांग्रेस मीटिंग हो रही है हमारे आज का क्या रणनीति रहेगी क्या पूछ रहे हैं ये आज का परिवार के अंदर उचित हो सकते हैं लेकिन हम साथ साथ आए हैं कल इस तरह के कोई विवाद नहीं है कांग्रेस पार्टी एकजुट है और सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं ये सबकी विवाद नहीं है आप हो सकता है अब कोई तीन चार पांच लोग कोई बच्चे आकर बीच में आम आदमी का बदले रहे विवाद नहीं करते मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस तरह की मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अननोन जो कार्यकर्ता अननोन लोग हैं वो एक विवाद क्रिएट करने के लिए न्यूज़ प्रोग्राम खराब करने के लिए न्यूज़ के अंदर हेडलाइंस जो छपती है उसको बदलने के लिए वो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं ये मुझे प्रत्यक्ष रूप से मालूम है आपका जो रात बीजेपी ने बीजेपी वालों ने बताया कि आप जो टी गार्डन वाले के घर में आपने कहा उसको ड्रामा बताया है देखिए जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसका मैं कोई जवाब नहीं उनको है ना देखिए उनको जवाब आसाम की जनता दे देगी 2021 के अंदर मुझे जवाब दे देगी मीटिंग की बात আমি প্রতিদিনে আপনার পক্ষত আপনার আপন চ্যানেল আসাম টকস উপলব্ধ ডিশ টিভির 1527 নম্বরত এয়ারটেলর 640 নম্বরত জিটিপিএলর 271 নম্বরত এসিসির 9 নম্বরত ডিসিএন ডিজিটালত 156 নম্বরত এনআরএল কেবল টিভিত 14 নম্বরত আর জেসিসির 375 নম্বরত